होता है गुड्डा जी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसका मतलब ये कि आगे आने वाले उपचुनाव में अपनी धीरे धीरे जो वो राजनीति को चमका रहे हैं, जो कहीं कहीं जो कीड़ा लग जाता है उस कीड़े को हटाते हैं, अपनी राजनीति को परिवार से धीरे धीरे चढ़ाते हैं। और हम तो किसी के दाह संस्कार में जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, चाहे हमारा रिश्तेदार हो चाहे कोई दोस्त हो, सभी लोग कहते हैं वोटों के लिए आया। हमारा तो लेबल लग गया, जब तक रहेंगे लेबल रहेगा। राजनीति चमकाने चमकाने की अपनी राजनीति फीकी कौन करना चाहता है बता दो नाम, जो अपनी राजनीति फीकी करना चाह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये है क्या, एक नाबालिग बच्ची है उसके साथ बलात्कार हो जाता है, 164 की जुबान पे दबा के बयान करवा देते हैं हम, और ले जाके उनको घर में बैठा दिया जाता है, नाबालिग बच्ची को मेडिकल नहीं करवाया जाता उसका, और वो दर दर की ठोकरी खाते हैं। तब बच्ची को ले गए, मेडिकल नहीं कराया, ईद बानो का गुर्दा निकाल लिया, कौन निकाल रहे हैं नाबालिग के साथ करने वाले कौन है, गुर्दा निकालने वाले कौन है, यनिता खिचड़ कौन है, पिपली चौक में बदमाशी किसने की, ये सलीम जेल में इसको किसने पटक रखा है। तो मैं ये कह दूं कि सबके पीछे पढ़ने वाले वो भी एक ही है, वो भी एक जाति भी देती है। दूसरा एक नाम बता दो, एक से भी ना थोड़ा सी जगह दे दो थी भाई लोगों, थोड़ा तो हो गया नीचे बैठ जाना भाई, थोड़ा तो हटा भाई, छत पर आग ऊपर रखांगा चलो बताओ भैया, ये एक कौम विशेष को टारगेट करके कोतवाली थानेदार ने जिस तरीके से झूठे मुकदमों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और मुकदमे लगा करके रात को 11 बजे कौन सा राजकार्य में बाधा भटक दिया उस आदमी ने, तहसीलदार ने सीधा सीधा 353 की धारा लगा के और सरकार राजकार्य बाधा लगा के और सलीम मंदिर भटक रखा है। दो परिवारों की आपस की सामान्य कहना हवा सुनी को आप कहां तक ले जा रहे हो, तहसीलदार पार्टी बन गए थानेदार पार्टी बन गए कैसे जिंदा रहेंगे ये लोग। आपने आपका नगरी परिषद आपकी वो ईओ पार्टी बनके रोज रिटायरमेंट होने के बाद क्या नंगा नाच किया उसने, क्या कर रखा है आप, वो चेयरमैन पूर्व चेयरमैन है, उनकी बेटे की बहू चेयरमैन है, 80,000 वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके साथ किस तरीके से है, क्या कर रहे हो सर आज धरना दे रहे हैं, आज क्या क्या मांग रहेगी ज्ञापन नहीं है। देखिए सलीम को नाजायज रूप से राजकार्य बाधा की धारा लगा के और उसको कोतवाली थाना इंचार्ज ने साफ साफ, यदि इसमें झूठ हो मैं बोल रहा ये झूठ हो, सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ के घर चला जाऊंगा, सीधा सीधा कोई लेना देना नहीं घर में पड़ोस में छोटी सी बात को, और उसको राजकार्य बाधा कहां से आ गई, क्या कर दिए तहसीलदार ने, क्या कर दिए थानेदार ने, पीपली चौक पर क्या नहीं हुआ, घरों पर हमले कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं, उन्हीं को मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, उन्हीं को बंद कर रहे हैं, शांति भंग के अंदर एक को पर, अरे शांति तो दो से भंग होती होगी, जब शांति भंग की तो गिरदावड़ को भी बंद करते, उनको बंद करते, रात को घर में रह रहे थे, एक को बंद कर दिया आपने, फिर उसको अंदर जेल में डाल दिया। इस तरीके से आप किसी को टारगेट बना रहे हैं, नहीं चले जाइए समुदाय विशेष को सीधा सीधा टारगेट किया जा रहा है, और ये कल्चर चल गया सबके अंदर, योगी बनने का चाव चल रहा है, सिर के बाल कटवा लो,
ऐसे होता है क्या? सारों में होड़ मच रही है, क्या किए उन्होंने रात को जाके वहाँ? खुद एक सम्मानित इज्जत आदमी है, इज्जतदार आदमी है, उसके किस तरीके से उनका टाइम खराब किया, किस तरीके बर्बाद कर दिया, सबको झगड़े की स्थिति बना दी, पिपली चौक पर क्या नहीं किया? और वो मेरे पास नाबालिग बच्ची है माइनॉरिटी की, जिसके साथ बलात्कार हुआ है, उठा के लेके उसका मेडिकल ही नहीं करवाया, ऐसे चलेगा क्या? यदि हम किसी धर्म विशेष को, ये राजस्थान, ये शेखावाटी, सभी जाति धर्म के लोग साथ साथ भाई की तरह रहते हैं, ये हमारा कल्चर है, शताब्दियों से रह रहे हैं, इसको ताने बाने को हम किसी को नहीं तोड़ने देंगे। दो करोड़ की नौकर तो नौकरी करने वाले ताने बाने को कैसे तोड़ देंगे? जिनको पॉलिटिकल फायदा अपने ले राजनीति करे, राजनीति करने का मतलब ये थोड़ी है। सर इस धरने की क्या रणनीति रहेगी आगे का धरना? देखिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और या तो हमारी बात इस मामले के अंदर सीधा सीधा आप जांच करवाइए कि यदि किस जगह राजकार्य बाधा हो गई। रात को 11 बजे कौन सा बोले, वो डेड बॉडी का सा मामला है, कोई किसी ने लाश रख रखी थी, उसको बेचारे को लेना देना नहीं, पता ही नहीं है। इस कोतवाली थाने के तो मेरे पास कच्चे चिट्ठे और पड़े हैं, बताऊंगा इनको किस तरीके से झूठे लोगों को जेल में ठूस रखा। जीपीएस लगी हुई थी इस गाड़ी के अंदर, एक गाड़ी, और उनका फर्जी मुकदमा लगा के उनको अंदर डाल दिया, और उस गाड़ी को कहां से बताया, कहां गया गाड़ी, सारा रिकॉर्ड है, पता चलेगा इनको। बार बार ऐसी घटनी दोनों को मिले सर, क्या कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, न तो बेचारे नौकरी मांग रहे, ना आपसे लोन मांग रहे, ना आपसे फैक्ट्री मांग रहे, ना आपसे मांग क्या रहे हैं, क्यों पीछे पड़े हो इनके? कोई आदमी कहीं से अपना घर बना रहा, उसको तोड़ने के लिए चले गए? ये चौबे जी छपे जी बनने के लिए, दूबे जी बन जाए तो रह जाए तो मुझे बता देना, आ रही तहसीलदार है, क्या कर रहे हो? एक ही जाति के लोग रहेंगे क्या? मंडाव में नाबालिग के साथ बलात्कार किसने किया, किसने किया? सलीम के सामने तहसीलदार कौन है? गिरदावड़ कौन है? किसने इसको अंदर डाल दिया? पीपली चौक पर बदमाशी किसने की? कौन है करने वाले? इस्लामपुर अमीन पठान को, अमीन मनवार जो सरपंच है, उसको क्यों परेशान कर रहे हो? वो इस टेस्ट ले रहे हैं, फलाना पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया और फलाना जिंदाबाद बोल दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है क्या? गदर पिक्चर में सनी देओल पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोल रहे, वो मूवी सैंक्शन कैसे होगी? क्या पाकिस्तान बोलना, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना इलीगल है क्या? बेचारा बोल भी नहीं रहा, मुंह में ठूस रहे हो जबरदस्ती, जाति एक धर्म विशेष को तो टारगेट आप कर रहे हो। 36 कौम की बात करता हूँ, ये रेबारी समाज डेढ़ बने से बच्चे घर में बैठे नहीं निकलने दे रहा, कटान का रास्ता बंद कर रहा, किसने बंद कर रखा है? दोरासर में नाई को कोई किसने घर में ले जाके पीटा, फिर नाई को बंद कर दिया? तोगड़ा खुद के अंदर रमेश मीणा की बात को कौन परेशान कर रहा है? थाने में मुकदमा कार्रवाई क्यों नहीं की? करने वाले सारे एक ही क्यों है? जिसके साथ बदमाशी हो रही किसके साथ बदमाशी, करने वाले सारे जाट क्यों है? सारी बदमाशी एक ही जगह से हो रही है, क्यों हो रही है? कोर्ट में गांधीवादी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से संविधान में हमें अधिकार दिए कि हमारी बात रखे, आप तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, ये हमारा तरीका है। रियादूर को वर्दी उतार के लड़ो ना, आगे धरना दो, प्रदर्शन करो और कपटी कपटी करो, कहा दिक्कत आ रही है? उतारो ना तो वर्दी बाण भाया माओगी तो बेरो पड़ेगा। देखिए गंगा जमुनी संस्कृति हमारा कल्चर है, इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी जातियों के लोग साथ साथ। राइट से निकलो भैया, राइट से निकलो, जनता में कोई झगड़ा नहीं है, नेता बड़ी ऐसी तैसी करा रहे हैं, अफसर करा रहे हैं, पार्टियां करा रही है, सरकार करा रही है, एक बात बस क्या कर रहे हो? ये सारे रास्ते बंद हो गए,
न्याय लेने के अब और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। धरना दे के बैठे, इंसाफ के लिए बैठे, अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, एक धर्म विशेष को टारगेट करके। और झूठे वो सलीम को क्यों डाल दिया अंदर, क्या गलती थी उस बेचारे की? शांति भंग के बंद दोनों को करते, उस गिरदावड़ को भी करते। रात के घर के अंदर गिरदावड़ नौकरी थोड़ी कर रहा था, आपको उसका दोनों पड़ोसी है, तहसीलदार ने जाके मुकदमा लगा दिया। राजकार्य बाधा कहां से आ गई, कहां से ले आए? कोई बेचारा एबीसीडी नहीं जानता, जो डाल दिया उस आदमी जिंदा जेल में क्यों बैठा है? क्यों बैठा दिया उसको? क्यों कर रखा आपने? अभी रात को भी आपकी और कोतवाल की बहस हुई थी। कोतवाल जी को खादी पहनने का शौक हो रहा है, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ। अभी छोड़ो, अभी चुनाव आ रहा, आज ही 3 बजे 3:30 बजे चुनाव की डेट आ रही है, अभी लड़ लो चुनाव। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति भी लोकतांत्रिक तरीके से हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। एक आदमी को साफ साफ झूठा साजिद को झूठा मूल मुकदमा लगा के, और ये 308 लगा रहा था। मैंने डीजी से उच्च अधिकारियों से बात की, तभी तो 308 नहीं लगाए तो भी आज जेल में पड़ा रहता। झूठे मुकदमे लगा के लोगों को जेल में डाल रहे हो, ना इंसाफी कर रहे हो। उससे पहले एक मुकदमा और हुआ था, उसमें लूट कर ली। अभी इनको लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। ये लूट का चोट बंद होगी तब उनको कमाई का थाना है। कोतवाली घोड़े वाले लोग हैं, जज्बाती लोग हैं, समझते आते नहीं है। 151 में बंद कर देते हैं, 50,000 रूपये ले लेते हैं, रात को छोड़ देते हैं। अगर आपको मांगे अनशन करूंगा, आमरण अनशन, लड़ाई लड़ूंगा, उसके बाद कुछ आगे क्या करूंगा। फिर यदि इन्होंने गुंडागर्दी बंद नहीं की तो इनकी ईंट शेंट बजा दूंगा, वर्दी का भेद भूल जाऊंगा कि इनके शरीर पर वर्दी है। जब ये ना इंसाफी करेंगे, आस पास सीमाएं लागू करूंगा।